उत्पत्ति अध्याय 11। उत्पत्ति अध्याय 11। मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया, और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को जन्म दिया, और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब एबर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेक का जन्म हुआ, और पेलेक के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरू का जन्म हुआ, और सरू के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा 13 का जन्म हुआ, और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब तक 13 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। 13 की यह वंशावली है। 13 ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया, और हारान अपने पिता के सामने ही कश्तियों के ऊर नाम नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी
जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुए, और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कस्दियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया।